हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाई संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी भरी इंस्टेंट कांजी। कांजी के पानी को खट्टा करने के लिए हमें 2 से 3 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेंट ही बना के सर्व कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। एक बाउल ले लिया है, 3 ग्लास पानी रखेंगे कांजी बनाने के लिए, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 टीस्पून काले मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 कप इमली का पानी, 2 टेबलस्पून पुदीना पेस्ट। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। कांजी वाले पानी को टेस्ट करके देखेंगे, नमक कम होगा तो ऐड कर लेंगे। 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। कांजी के लिए पानी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही चटपटा बना है। मैंने अभी टेस्ट करके देखा था नमक के लिए, एक साइड में रख लेंगे। कांजी के लिए वड़े तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप छिलके वाला मूंग दाल लिया था, गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। पानी ड्रेन कर लेंगे दाल से। यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया है, 1 मुट्ठी पालक का पत्ता लिया है, डंडियाँ इसमें बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से वॉश कर लिया है। मिक्सी जार में डाल लेंगे 2 हरी मिर्च। दाल को हमें छिलका के साथ ही पीसना है। 1/2 टीस्पून नमक, 3 से 4 चम्मच पानी डाल के पीस लेंगे दाल को। दाल और पालक को पीस लिया है, 1 पिंच हींग मिक्स कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाही रखेंगे, कढ़ाही को गरम होने देंगे। कढ़ाही गरम हो चुका है, ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। ऑयल चेक कर लेते हैं, टूथपिक लिया है, डिप करके देखेंगे, काफ़ी अच्छे बबल्स उठ रहे ऑयल से। बड़े वाला घोल लेंगे ऐसे, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, मीडियम साइज के ही बड़े बनाएंगे। 1-1 चम्मच घोल डालते जाएंगे। एक बार में जितना आसानी से फ्राई हो पाएगा उतना ही वड़े रखेंगे गरम ऑयल में। वड़े को एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे, फिर 1-1 करके पलटेंगे। वड़े को 1-1 करके पलट लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे उलट पलट करते हुए दोनों साइडों से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे वड़े को। वड़े दोनों साइडों से क्रिस्पी होने लग गए हैं, ऑयल से बाहर कर लेंगे। वड़े को टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। फिर से पहले की तरह 1-1 चम्मच घोल डालेंगे गरम ऑयल में। सारे वड़े पहले की तरह क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। सारे वड़ों को फ्राई कर लिया है, कांजी वाला पानी ले लिया है, मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इंस्टेंट ही सर्व करना है तो कांजी में आइस क्यूब्स डाल लें, इंस्टेंट सर्व नहीं करना है तो फ्रिज में रख कर ठंडा होने देंगे। कांजी वाले पानी में वड़ों को डाल लेंगे, मिक्स कर देंगे ताकि वड़े अच्छे से भीग जाए। सर्व करने से पहले कांजी को फ्रिज में रख देंगे। बहुत ही चटपटा बना है हमारा हरा भरा इंस्टेंट कांजी। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें हरा भरा इंस्टेंट कांजी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।